हेलो फ्रेंड्स, उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शंकरलाल सुंडा जेट और सीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल कॉलोइड्स। अगर आज के टॉपिक में आप लोगों ने तैयार कर लिया मेरे साथ, तो आप ये मान के चलना कि जो जेईटी और सीयूटी का एग्जाम आ रहा है आपका, उसमें एक क्वेश्चन आप अपना कंफर्म कर लोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले सॉइल कॉलोइड्स हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोलोइड वर्ड होता है या कोलोइड शब्द होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो ध्यान दो, कोलोइड अगर शब्द के बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं, तो कोलोइड शब्द जो होता है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, यानी एक तो होता है कोला और दूसरा होता है ओइड, इन दोनों के मिलने से बनता है कोलोइड। ये दोनों के दोनों शब्द है ग्रीक भाषा के। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि इनमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोला शब्द होता है, इस कोला शब्द का अर्थ होता है गोंद। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है गोंद। और जो ओइड होता है, इसका मतलब होता है के समान, जिसको इंग्लिश में हम बोल देंगे इसका मतलब होता है लाइक, और इसका मतलब हो जाता है ग्लू। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है ग्लू। तो कोलाइड शब्द का अगर हम मीन निकालते हैं, तो इसका मीन होता है गोंद के समान जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, उनको हम कोलोइड कहेंगे। ये तो इस शब्द का मीन हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोलाइड के बारे में हम देखते हैं, तो कोलोइड शब्द किसने दिया? कोलाइड शब्द देने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम है थॉमस ग्राहम। क्या नाम है इनका? इनका नाम है थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम जो है, इन्होंने कोलोइड शब्द दिया। याद रखना, थॉमस ग्राहम आपने एक जगह, यहाँ थॉमस ग्राहम पढ़ रहे हो, थॉमस शब्द आपने एक जगह पहले भी पढ़ा होगा। अगर आपको पढ़ा हो और आपको याद हो, तो एक आपको मृदा विज्ञान, जो विज्ञान की ही या सोयल साइंस की एक शाखा होती है, मृदा विज्ञान जो होती है, इसी की एक शाखा होती है जिसको बोलते हैं मृदा रसायन। यानी जो मृदा रसायन सब्जेक्ट होता है या मृदा विज्ञान की शाखा होती है, इसके जनक की बात करते हैं, तो इसके जनक कौन होते हैं? इसके जनक है थॉमस वे। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईटी के अंदर पूछा जा चुका है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेईटी के अंदर पूछा जा चुका है, जेईटी 2020 या 21 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मृदा रसायन के जनक कौन है? थॉमस वे मृदा रसायन के जनक है। और याद रखना, अगर आपको पूछा जाए कोलाइड जो शब्द है वो किसने दिया है? थॉमस ग्राहम ने दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो कोलोइडल रसायन होती है, उस कोलोइडल रसायन के जो जनक होते हैं, कोलोइडल रसायन के जो जनक है वो भी कौन है? कोलोइडल रसायन के जनक भी कौन है? वो भी है थॉमस ग्राहम। यानी शब्द भी इन्होंने दिया और कोलाइड रसायन के जनक भी कौन है? थॉमस ग्राहम है। कोलाइड शब्द का मीन क्या होता है, कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी क्लियर हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कोलोइड को सबसे पहले देखा किसने था? तो याद रखना, देखा किसने था? जो ब्राउनियन गतिविधि थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, उन्होंने ही किसको देखा था? सबसे पहले कोलोइड को देखा था। लेकिन नाम किसने दिया? नाम देने वाले साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। किसने दिया है? थॉमस ग्राहम ने इसको नाम दिया है। यानी यहां से चार पांच बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जेट वाले बच्चे ध्यान रखना, सॉइल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन आता है आपके, केमिस्ट्री के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बाकी जगह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं कि हम कोलोइड को डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। शब्द तो आपने समझ लिया कि कोला प्लस ओइड से बना है, ग्रीक भाषा का है, गोंद के समान इसका मतलब होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोलोइड होता है इसको परिभाषित कैसे करेंगे। इसके लिए दो चीजें याद रखनी है। पहली कि ऐसे छोटे छोटे कण जिनका आकार सामान्यतया 1 से लेकर 1000 मिली माइक्रोन होता है, कितना होगा? 1000 मिली माइक्रोन जो होता है, मिली माइक्रोन जिनका आकार होता है, और सामान्यतया उनमें क्या पाए जाते हैं? कोलाइड्स के जो गुण होते हैं, जो कोलोइडल गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोलोइड्स। यानी दो शब्द आपको ध्यान रखना है। पहली चीज कि जिनका आकार कितना होना चाहिए, आकार 1 से लेकर 1000 मिली माइक्रोन होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या होनी चाहिए? कोलोइड्स के गुण होने चाहिए। यानी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है, कोलोइडल प्रॉपर्टीज, अगर वो प्रेजेंट है और उसका डायामीटर जो है, उनका आकार जो है, 1 से लेकर 1000 मिली माइक्रोन तक है, तब तो हम उसको कोलोइड कहेंगे। अगर उसमें कोलोइडल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो हम उसको कोलोइड नहीं कहेंगे। यानी कि आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से ये बनता है कि आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यहाँ जो आपको आकार या साइज दी हुई है,
यह आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहां आपको जो डायमीटर दिया हुआ है मिली माइक्रोन में दिया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में आपको यही जो डायमीटर है ये केवल माइक्रोन में पूछ ले, तो याद रखना एक माइक्रोन जो होता है अगर उससे छोटा होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, कोलोइड कहेंगे। यहां तक आपकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाती है। इसे दो क्वेश्चन बनते हैं, कोलोइडल गुण क्या है और इंपॉर्टेंट चीज की जो कोलोइड होता है उसका डायमीटर या आकार क्या होता है। इसके बाद देखो अगला इंपॉर्टेंट चीज, कोलोइड जो होते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज है वहां से आता है, और जेईटी के अंदर 3 साल लगातार कोलोइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है उनके जो गुण होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी आप लोगों को ध्यान रखना है कोलोइडल जो प्रॉपर्टी होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां से कंटिन्यूअसली एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है। यानी हमारा अगला जो पॉइंट हो जाता है वो क्या जाता है, जो कोलोइडल प्रॉपर्टी होती है हम उन्हीं को पढ़ लेते हैं, कोलोइडों के जो गुण होते हैं या कोलोइडल जो गुण होते हैं हम उन्हीं को स्टडी कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, सबसे पहले कोलोइड्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो नंबर वन पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर वन पे आ जाता है ब्राउनियन गति। क्या आ जाता है, ब्राउनियन गति आ जाता है। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं तो एक हो जाता है टिंडल प्रभाव, एक हो जाता है टिंडल प्रभाव। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे आ जाता है अवक्षेपण। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अगला आ जाता है अधिशोषण। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो फाइव नंबर पे आ जाता है आवेश। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो आ जाती है विस्मांगता। यानी ये कुछ गुण है जो कोलोइड्स के अंदर पाए जाते हैं, अगर किसी भी कण का आकार 1 से लेकर 1000 मिली माइक्रोन हो और इस आकार वाले कण में यदि ये सारे गुण उपस्थित है, ये सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, कोलोइड कहेंगे। और जेईटी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 साल में, लास्ट ईयर को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जो कंटिन्यूअसली 3 साल में इन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया है, एक बार ब्राउनियन जो गति है यहां से पूछ लिया गया, दूसरे बार क्वेश्चन टिंडल प्रभाव से पूछ लिया गया है, ये टिंडल प्रभाव है यहां से 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आप लोगों को जो कोलोइडल प्रॉपर्टी है इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको बता देता हूं, ब्राउनियन गति को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, इसको टिंडल इफेक्ट कहेंगे, अवक्षेपण को कहेंगे प्रेसिपिटेशन, और अगर हम बात करें अधिशोषण को कहेंगे एडसॉर्प्शन, अगला आ जाता है आवेश को कहेंगे चार्ज, और विस्मांगता को कहेंगे हेट्रोजेनिटी। यानी ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है इसके साथ एक प्रॉपर्टी और ध्यान रख लेना, एक प्रॉपर्टी और प्रेजेंट रहती है कोलोइड्स के अंदर जिसका आप ध्यान रखना, ये आ जाता है विसरण। यानी विसरण जो होता है इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इनको डिफाइन करते हैं, ये सारी की सारी कोलोइडल प्रॉपर्टी है। एक एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, जिसे सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन की जो आ जाती है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति जिसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन गति क्या होती है, देखो इधर ध्यान देना, अगर कोलोइडल पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट की तो मेनली कोलोइड्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट कौन सा होता है तो दोनों टाइप के जो चार्ज होते हैं कोलोइड्स कैरी करते हैं, लेकिन मेनली कौन सा करते हैं, मेनली नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो जो अगर हम बात करें जैसे नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तो याद रखना सेम चार्ज होते हैं या समान आवेश जो होता है वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और विपरीत आवेश वाले जो आयन होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल है जैसे ही इसके पास में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये यहां से इसके पास आएगा। यानी कंटिन्यूअसली ये जिस भी चार्ज के पास जाएगा वहां से ये क्या करेगा, उससे टकराने के बाद इनके बीच में जो प्रतिकर्षण होगा उससे वापस से दूर हट जाएगा और एटमोस्फेयर के अंदर या जो कोलोइडल मीडियम होता है सॉल्यूशन होता है उसमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, और इसके मूवमेंट करने का जो पैटर्न होता है वो एक ज़िगज़ैग पैटर्न रहता है, टेढ़ी मेढ़ी गति रहती है, काफी बार कहते हैं ब्राउनियन गति जो होती है इसको टेढ़ी मेढ़ी गति भी कहा जाता है। यानी हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली कोलोइडल जो विलयन होता है उसमें टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। यानी याद रखना जो जिगजेग गति होती है या इसी को बोल देते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति, इसी को बोल देते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति।
यानी कोलोइडल पार्टिकल्स लगातार जिगजेग पैटर्न के अंदर या फिर टेडी मेडी गति करते रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, टेडी मेडी गति करते रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। जेड के अंदर क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि कोलाइडी कणों की टेडी मेडी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी और कोलाइड को सबसे पहले देखा भी किसने है, रॉबर्ट ब्राउन ने ही देखा है, लेकिन इसको नाम किसने दिया है, नाम इसको थॉमस ग्राम ने दिया है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर जो प्रॉपर्टी आती है उसकी हम बात कर लेते हैं, तो सेकंड नंबर पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो लगातार दो बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उसका नाम है टिंडल प्रभाव। क्या नाम है, उसका नाम आ जाता है टिंडल प्रभाव। देखो ध्यान देना, अब हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव की, तो टिंडल प्रभाव है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम भी टिंडल था, यानी उन्हीं के नाम पर टिंडल प्रभाव इसका नाम रखा गया है। टिंडल प्रभाव होता क्या है, समझना उस चीज को, यानी टिंडल ने क्या किया, एक कोलाइडी विलयन लिया, टिंडल ने क्या किया, एक कोलोइडल विलयन लिया, और उस कोलोइडल जो विलयन इन्होंने लिया इसमें से प्रकाश की एक किरण को गुजारा, यानी कि इसके अंदर कोलाइडी कण वाला या कोलाइडी विलयन इसके अंदर उपस्थित है। इन्होंने क्या किया, प्रकाश की एक किरण को इस कोलाइडी विलयन से गुजारा, और जब प्रकाश की किरण ने इन्होंने कोलाइडी विलयन से गुजारा तो इन्होंने पाया कि जब ये किरण प्रकाश की इस कोलाइडी विलयन के मध्य से गुजरती है तो ये इनका जिसका पूरा जो रास्ता होता है ये नीले रंग से प्रकाशित हो जाता है, या यूं कहें यहां से लाइट पास होती हुई इस कोलाइडी विलयन के अंदर हमें दिखाई देती है। इसके दिखाई देने के पीछे कारण क्या रहा, साथ ही साथ इन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया कि एक दूसरा विलयन लिया, ये तो है कोलाइडल विलयन और ये वाला जो है वो कोलोइड्स का विलयन नहीं है, यानी एक कोलाइडी विलयन लिया और दूसरा ऐसे नॉर्मल विलयन लिया जिसको हम सामान्यतया सम्मांगी विलयन कहते हैं। तो जब सम्मांगी विलयन से या सत्य विलयन से इन्होंने लाइट को पास किया तो जो लाइट होती है वो इनको जाती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर इसी लाइट को गुजारा जाता है, इसी लाइट को गुजारा जाता है कोलाइडी विलयन के अंदर से, तब ये जाती हुई दिखाई देती है। तो इसके जाते हुए दिखाई देने का जो कारण था वो क्या था, समझना इस चीज को। जब प्रकाश की किरण को हम कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो जो लाइट बीम होती है ये जाकर उस कोलाइडी कण से टकराती है। टकराने के बाद क्या हो सकता है, या तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा सकती है या इसका अवशोषण किया जा सकता है, यानी कोलाइडी कण जो है उस प्रकाश की किरण का अवशोषण कर ले या उसे टकराकर वो रिफ्लेक्ट होके वापस से चली जाए, या थर्ड क्या हो सकता है, इससे टकराने के बाद अगर वो बिखर जाती है, इस बिखरने को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की जो किरण होती है वो सामान्यतया कोलाइडी कणों से टकराने के बाद बिखर जाती है। सामान्यतया कोई भी चीज हमें दिखाई कब देती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसके पीछे रीजन होता है कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद आपकी आंखों में आएगी तभी आपको वो दिखाई देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो सबसे पहले कोलाइडी कण से टकराती है, टकराने के बाद बिखर जाती है और बिखर कर हमारी आंखों में आती है, तब हमें वो बिल्कुल ऐसे कोलाइडी विलयन से जाती हुई दिखाई देती है। और जिस विलयन में कोलाइडी पदार्थ नहीं थे या कोलाइडी कण नहीं थे वहां इसका जाना हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण होती है वह कोलाइडी कण नहीं है तो टकराकर नहीं आती, वो सीधा का सीधा गुजर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमें प्रकाश की किरण जाती हुई दिखाई देती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, इसका कारण है कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश की किरण का जो स्कैटरिंग कर दिया है या उसका अपकिरण कर दिया गया है, इसी वजह से इसका जो रास्ता होता है वो नीले रंग से प्रकाशित हो जाता है। यानी कि टिंडल साहब ने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब प्रकाश की एक किरण को कोलोइडल विलयन से गुजारा जाता है तो उसका पथ नीले प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है,
क्यों होता है? क्योंकि किरण कणों से टकराकर बिखर जाती है और इस बिखरने को बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी यहां से जो क्वेश्चन आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जब प्रकाश की एक किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश की जो किरण है वो कोलाइडी कणों से टकराने के बाद बिखर जाती है। बिखरने को बोलते हैं हिंदी के अंदर अपकिरणन, या फिर यूं कहें स्कैटरिंग हो जाती है उसकी, वो बिखर जाती है। और स्कैटरिंग होने की वजह से ही हमें वो जाता हुआ उसका जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। जेट की अगर हम बात करते हैं तो जेट के अंदर यहां से क्वेश्चन ये पूछा है कि जो टिंडल प्रभाव होता है ये किसकी वजह से हमें दिखाई देता है, तो याद रखना किसकी वजह से दिखाई देता है, ये दिखाई देता है हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर प्रकाश की किरण का कोलाइडी कण से टकराकर बिखर जाने की वजह से, उसके अपकिरणन के वजह से हमको इसका जो रास्ता होता है वो नीले रंग से प्रकाशित हो जाता है या हमको जाती हुई दिखाई देती है। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन ये था कि टिंडल प्रभाव किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है, ध्यान देना बच्चों, थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे हम बात करें आवेश की, किसकी बात करें? आवेश की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जो आवेश की हम बात करते हैं तो कोलाइडी कणों पर सामान्यतया तो ऋणावेश पाया जाता है, लेकिन याद रखना हमेशा इस बात को बहुत अच्छे से माइंड में सेट रखना कि कोलाइडी कणों के ऊपर ऋणावेश और धनावेश दोनों आवेश पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतया ज्यादातर कौन सा पाया जाता है? ऋणावेश। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? हम यही लिखते हैं कि कोलाइडी कणों के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणावेश पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पर जैसे हम बात करें अवक्षेपण की, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन कहेंगे। अवक्षेपण की बात करते हैं, देखो ध्यान देना, अवक्षेपण की हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एक कोलाइडी विलयन है और इसके अंदर बहुत सारे कोलाइडी कण उपस्थित है। हमको करना क्या है? इस कोलाइडी विलयन के अंदर विपरीत आवेश वाले आयन डालने हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। यानी विपरीत आवेश वाले अगर हम इसके अंदर आयन एड करते हैं, विपरीत आवेश वाले आयन अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो क्या होगा, समझना इस चीज को। देखो ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन ऋणावेश धनावेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसमें सारे कोलाइडी कणों की सतह पर ऋणावेश उपस्थित है और हम विपरीत आवेश डाल रहे हैं, यानी हम प्लस आवेश वाले जो आयन होते हैं वो इस विलयन के अंदर डालेंगे। हम जैसे ही विपरीत आवेश वाले आयन इसके अंदर एड करते हैं तो जो प्लस आवेश वाले आयन होते हैं वो नेगेटिव या जो ऋणावेश वाले आयन होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, इनके साथ चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऋणायन और धनायन के मध्य क्या होता है? इनके मध्य आकर्षण होता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? चिपक जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, समझना। यानी कि पहले यहां ऋणावेश था तो कोलाइडी कण जब एक दूसरे के पास आते थे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, लेकिन अब तो आवेश रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऋणावेश था धनायन उसकी जगह आ जाता है, उसकी चिपकता है और उसके आवेश को उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है चार्ज को। इसका मतलब क्या होगा? अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने के बाद ये क्या करेंगे? ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे और पास आने के बाद ये क्या करते हैं? पास आने के बाद ये जनरली इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, और जब ये एक जगह इकट्ठे होते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो हम इसको बोल देते हैं समुच्चय। क्या बोल देते हैं इसको? समुच्चय बोल देते हैं। यानी ये कोलाइडी कण एक जगह इकट्ठे होकर समुच्चयों का निर्माण करते हैं, समुच्चयों का निर्माण करते हैं, यानी समुच्चयों का जो निर्माण करते हैं। अब ये समुच्चय जो मृदा समुच्चय होते हैं ये भारी होंगे, तो भारी होने की वजह से क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या करते हैं? नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और नीचे इनके बैठने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? नीचे बैठने की क्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण। यानी बहुत आसान बात है,
कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश वाले आयन अगर हम डालेंगे तो इनका जो ऋणावेश है वो उदासीन हो जाएगा, जिससे कोलाइडी कण एक दूसरे के पास आएंगे और समुच्चयों का निर्माण करेंगे। ये समुच्चय जो है भार इनका ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा कण एक जगह इकट्ठे हो गए तो भार बढ़ेगा, और भार बढ़ने की वजह से ये धीरे धीरे जाकर पैंदे के अंदर या बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं, और नीचे बैठने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। और जो समुच्चय निर्माण की क्रिया होती है, यानी कि कोलाइडी कण एक दूसरे के पास आकर एक समुच्चय झुंड बनाते हैं, उसको कहा जाता है उर्णी पिंडन। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उर्णी पिंडन। यानी ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्णी पिंडन क्या होता है। उर्णी पिंडन का मतलब होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं, ये कोलाइडी कण एक दूसरे के पास आकर एक समुच्चय का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलते हैं उर्णी पिंडन। क्या बोलेंगे इसको, उर्णी पिंडन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्लोकुलेशन। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, फ्लोकुलेशन कहेंगे। अब लिखना क्या है इसमें, बहुत आसान सी बात है, जो हमने समझा उसी को लिखना है, कि जब कोलाइडी विलयन के अंदर विपरीत आवेश वाले आयन डालने पर कोलाइडल कणों का ऋणावेश उदासीन हो जाता है, तथा कोलाइडल कण एक दूसरे के पास आकर समुच्चयों का निर्माण करते हैं, तथा ये समुच्चय धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे अवक्षेपण बोलते हैं। देखो ध्यान देना, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, गंदा पानी सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो आज ही एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी मिट्टी डालिए, उसको घोल दीजिए, मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो पानी गंदा रहेगा, एकदम साफ नहीं रहेगा। आप उसमें थोड़ी सी फिटकरी जो होती है उसको घोल दीजिए, फिटकरी घोलने के बाद थोड़े समय के पश्चात जो पानी होता है वो पूरा साफ हो जाता है, क्योंकि जो फिटकरी होती है वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। जैसे ही उसके जो धनाइन होते हैं वो कोलाइडी विलयन के अंदर जाएंगे, सारे के सारे जो मिट्टी के कण या मिट्टी के जो कोलाइडी कण पानी के अंदर तैर रहे थे, सस्पेंशन में थे, उनके साथ चिपकेंगे, उनके आवेश को उदासीन करेंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, समुच्चयों का निर्माण करके उन कणों को नीचे बैठा देंगे। इसी को बोलते हैं अवक्षेपण। जैसे कि जब आप सैलून जाते हो तो हमारा जो खून होता है, ब्लड जो हमारा है, रुधिर, ये भी एक कोलाइड का उदाहरण है। जब आप सैलून जाते हो और आपके कट लग जाता है, तो जो नाई सैलून वाला होता है वो क्या करता है, वो फिटकरी लगा देता है, जिससे आपका ब्लड रुक जाता है, या यूं कहते हैं थक्का बन जाता है। यहां पर भी तो जो समुच्चय बन रहे हैं वो एक प्रकार के थक्के की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि समुच्चय बनने की क्रिया को तो हम क्या कहेंगे, इसको तो हम कहेंगे उर्णी पिंडन। और अगर हम बात करें इन समुच्चयों को नीचे बैठने की क्रिया को क्या कहेंगे, इनके नीचे बैठने की क्रिया को हम कहेंगे अवक्षेपण। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी जो है वो आ जाता है विसरण। क्या आ जाता है, विसरण आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ध्यान देना इधर सामने सारे बच्चे, अगर हम विसरण की बात करते हैं तो एक तो होता है विसरण, एक होता है पराशरण। दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। विसरण का मतलब होता है जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। क्या मतलब होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसको तो हम बोलते हैं विसरण। और प्राशरण का मतलब होता है
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसको हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। दोनों को समझाता हूं। जैसे विसरण की बात करें, जैसे कि क्लासरूम में कोई भी एक कैंडिडेट परफ्यूम लगा के आया है, बॉडी स्प्रे का यूज किया है, तो क्लास में आते ही सारी क्लास के अंदर उसकी जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जहां उसने परफ्यूम यूज किया है उस जगह जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो बाकी क्लासरूम में उसकी सांद्रता कम होती है, यानी अधिक सांद्रता से जो परफ्यूम के कण होते हैं वो कम सांद्रता की ओर जो स्मेल होती है वो स्प्रेड हो जाती है। लेकिन इसी को अगर हम बात करें प्राशरण की, तो जैसे पानी का एक ग्लास लीजिए और उस पानी के ग्लास के अंदर आप क्या डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए। यानी किशमिश जो होता है पहले क्या होता है, पिचका हुआ रहता है। अब आपने क्या किया, पानी के ग्लास में उसको डाल दिया। डालने के बाद थोड़े समय के बाद वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि इस किशमिश के अंदर अगर हम बात करें तो चीनी या शर्करा की जो सांद्रता होती है वो तो क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन बाहर जो माध्यम है, जो जल आपने लिया है, इसके अंदर सांद्रता क्या है, कम है। तो जो जल होता है वो क्या करता है, कम सांद्रता से, यानी शर्करा की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है, यानी बाहर से इसके अंदर गमन करता है। और ये जैसे ही बाहर से अंदर गमन करके जाता है, किशमिश जो होता है वो फूल जाता है। यानी कि ऑस्मोसिस प्रासरण का मतलब तो होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन, जैसे कि पानी में डालने पर किशमिश का फूल जाना। और फर्स्ट नंबर अगर हम विसरण की बात करें, इसका मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं विसरण। देखो इसका मतलब ये हुआ कि विसरण का जो गुण होता है ये कोलोइड्स में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। जैसे ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब है जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं। यानी एक तरफ जो कोलाइडी कण है उनकी जो सांद्रता है, कोलाइडी कणों की, जो कोलाइडल कण होते हैं उन कोलाइडल कणों की जो सांद्रता है वो सांद्रता क्या है, अधिक है। और इसके दूसरी तरफ इनकी सांद्रता जो है वो कम है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये कोलाइडी कण क्या इस साइड से उस साइड गति करके जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ध्यान रखना, कोलाइडी कण जो होते हैं उनमें कभी भी अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार होके जाने का या विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या कोलाइडी कणों में विसरण का गुण पाया जाता है। तो ध्यान रखना, कोलाइडी कणों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। यानी कि जो कोलोइड्स होते हैं, कोलोइड्स में विसरण का गुण नहीं पाया जाता, विसरण का गुण नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मान लो कोई कण जिसका आकार 1 से लेकर 1000 मिली माइक्रोन है और वो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार करके विसरित होके दूसरी तरफ चला गया, तो हम उसको कोलोइड नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्रिस्टलाब। क्या बोलते हैं, हम उसको बोल देते हैं क्रिस्टलाब। यानी कि अगर कोई भी कण जिसका आकार 1 से लेकर 1000 मिली माइक्रोन है और अगर उसमें विसरण का गुण पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, अगर उसमें विसरण का गुण पाया जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोल देंगे पाया जाता है तो हम उसको बोल देंगे क्रिस्टलाब। और अगर नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना नहीं पाया जाता है, तब हम क्या बोलेंगे, कोलोइड। यानी कोलोइड्स के अंदर विसरण का गुण नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या नेक्स्ट जो गुण होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगला जो गुण आ जाता है, नेक्स्ट जो गुण आ जाता है, जो भी है 4 या 5 नंबर, नेक्स्ट जो आ जाता है 5 नंबर, जो 5 नंबर के ऊपर जो आ जाता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ब्राउनियन गति हो गई, टिंडल प्रभाव हो गया, आवेश हो गया, अवक्षेपण हो गया और विसरण हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेट्रोजेनिटी की, या जिसको हम बात करते हैं विषमांगता की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, विषमांगता की बात कर लेते हैं। समझना इस चीज को, विषमांगता को बोलते हैं हेट्रोजेनिटी। विषमांगता क्या होती है, आप लोगों ने विलयन के लिए 2 प्रकार के नाम सुने होंगे। एक तो आपने सुना होगा कि जो विलयन होते हैं वो समांगी होते हैं। ये नाम आपने अक्सर सुना होगा कि विलयन कैसे होते हैं, विलयन एक तो समांगी होते हैं। एक आपने सुना होगा कि जो विलयन होते हैं वो विषमांगी होते हैं। कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की विलयन क्या होता है। विलयन की बात करें तो विलयन का मतलब होता है, यदि मान लीजिए विलय प्लस विलायक आपस में मिल जाए, यानी अगर इन दोनों का मिश्रण हो जाए, विलय प्लस विलायक का जो मिश्रण होता है
उस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, उस मिश्रण को हम बोल देते हैं विलयन। यानी इतना माइंड में कंफर्म कीजिए, विलयन जो होता है उसमें दो चीजें पाई जाती है, विलय प्लस विलायक। केवल एक चीज का कभी विलयन नहीं बनता है, विलयन का अर्थ ही होता है या परिभाषा ही होती है कि विलय प्लस विलायक का मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब विलयन दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। इसका मतलब क्या है, तो समांगी का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर जो विलय होता है और जो विलायक होता है दोनों की प्रावस्था समान होती है। यानी विलय और विलायक की जो प्रावस्थाएं होती है, ये प्रावस्थाएं क्या होती है, प्रावस्थाएं समान होती है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं समांगी विलयन। दूसरी चीज बात करते हैं विषमांगी की। विषमांगी विलयन का मतलब होता है जिसमें विलय प्लस विलायक की, किसकी, विलय व विलायक की प्रावस्थाएं अलग अलग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विषमांगी विलयन। अब समझिए इसका उदाहरण देता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप विषमांगी विलयन को ऐसे समझिए कि हमारा रुधिर एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। तो रुधिर का जो प्लाज्मा होता है वो तो द्रव रूप में पाया जाता है, और उसमें जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, कणिकाएं होती है, वो ठोस रूप में पाई जाती है। यानी कि जो प्लाज्मा जो द्रव रूप है जिसको हम विलायक कह रहे हैं प्लाज्मा को, वो तो पाया जाता है किस रूप में, द्रव रूप में पाया जाता है। और विलय का मतलब हो गया उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो कणिकाएं हैं उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो किस रूप में है, वो ठोस रूप में है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि उसके अंदर जो विलायक है वो तो ठोस रूप में है, और सॉरी विलायक जो है वो तो द्रव रूप में है, और जो विलय है वो किस रूप में है, ठोस रूप में है। यानी दोनों की अलग अलग प्रावस्थाएं हो गई, उसको हम बोलेंगे विषमांगी। और समांगी का मतलब होता है विलय और विलायक दोनों समान प्रावस्थाएं हैं, द्रव द्रव है, गैस गैस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए क्या आप ऑक्सीजन जो होती है और नाइट्रोजन गैस का एक मिश्रण तैयार करेंगे तो क्या इसको कोलाइडी विलयन कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों गैसें आपस में मिल जाएगी और मिलने के बाद इनकी प्रावस्थाएं कैसी है, समान है। इसका मतलब सीधा सीधा हम क्या कहेंगे, ये कोलाइडी विलयन नहीं है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे वायुमंडल के अंदर मिट्टी के बहुत सारे कण फैले हुए हैं, यानी वायु जो है चारों तरफ वो एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं विलायक का काम कर रही है, माध्यम का काम कर रही है, और जो कोलाइडी कण होते हैं जो ठोस रूप में पाए जाते हैं वो एक प्रकार से विलय का काम कर रहे हैं। यानी कि पहला हो गया विलय, और चारों तरफ जो गैसें होती है वो वहां पर माध्यम का काम करती है। यानी माध्यम जो है यहाँ पर वो तो कौन सा रूप है, गैसियस रूप है, और जो कोलाइडी कण है वो कौन से रूप में है, ठोस रूप में है। यानी एक तो हो गया गैस, एक की अगर हम बात करते हैं तो एक तो किस रूप में है, एक तो गैस रूप में है, और अगर हम विलायक की बात करें तो वो तो किस में है, गैस रूप में है, और दूसरे की हम बात करें कोलाइडी कणों की तो वो किस रूप में है, ठोस रूप में पाए जाते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयन जो होता है वो सदैव किस विलयन का निर्माण करेगा, सदैव विषमांगी विलयन का निर्माण करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोलाइडी विलयन हो और उसमें समांगता का गुण पाया जाए या उसमें होमोजेनिटी का गुण पाया जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सदैव अगर कोलाइडी विलयन बनेगा तो विलयन कैसा रहेगा, विषमांगी ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें विलय विलायक दोनों की जो प्रावस्थाएं होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी हम लिख देंगे कि कोलोइड्स के अंदर क्या होता है, कोलोइड्स में विषमांगता का गुण पाया जाता है, या कोलोइड्स जो होते हैं वो विषमांगी विलयन का निर्माण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोलोइड क्या करते हैं, कोलोइड्स विषमांगी विलयन का निर्माण करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, एक क्वेश्चन यह भी पूछा हुआ है कि क्या कोलाइड सत्य विलयन का निर्माण करते हैं या नहीं। अरे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि विषमांगी विलयन जो होता है उसको सत्य विलयन नहीं बोलते, सत्य किसको बोलते हैं, जो समांगी विलयन होता है इसे समांगी विलयन को कहा जाता है सत्य विलयन। और आप लोगों को यह चीज क्लियर हो चुकी है कि कोलाइड्स तो सदैव किसका निर्माण करते हैं, कोलाइड्स तो सदैव विषमांगी विलयन का निर्माण करते हैं। यानी हम लिख देंगे कोलाइड्स सत्य विलयन का निर्माण नहीं करते हैं, सत्य विलयन का क्या नहीं करते हैं, सत्य विलयन का निर्माण नहीं करते हैं। इस तरह से हमने क्या कर लिया है,
कोलाइड्स की जो गुण है वो लगभग हमने स्टडी कर लिया है, और कौन सी गुण रह गया है देखो ध्यान दो। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने ब्राउनियन गति, टिंडल इफेक्ट, अवक्षेपण, एक अधिशोषण नहीं पढ़ा है, बाकी सारे के सारे जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो हमने स्टडी कर ली है। तो देखो अधिशोषण की भी बात कर लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला और लास्ट जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है अधिशोषण। देखो दो शब्द आपके अक्सर परेशान करेंगे आपको, एक तो होता है अधिशोषण, एक होता है अवशोषण। यानी आपको इन दोनों वर्ड को क्या करना है, क्लियर करके रखना है हमेशा। अवशोषण को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ध्यान रखना। इसको तो बोलते हैं एडजॉर्प्शन और इसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। इन दोनों को आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है। अधिशोषण का मतलब है, जैसे मान लो ये कोलाइडी कण है, इसकी जो बाहर वाली सतह है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसके ऊपर आकर अगर कोई चीज एकत्रित हो रही है तो उसके एकत्रित होने को क्या बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं अधिशोषण। यानी सतह के ऊपर, यदि मान लीजिए सतह के ऊपर, सतह पर कुछ आकर एकत्रित हो रहा है तो बोलेंगे अधिशोषण। अवशोषण का मतलब है ये कोई भी कोलाइडी कण है और इसकी सतह के अंदर, मान लीजिए यहां आकर कोई चीज संचयन हो रहा है या किसी का भी संचयन हो रहा है या कोई भी चीज एकत्रित हो रही है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे अवशोषण। यानी सतह के अंदर अगर ऐसा होता है, सतह के अंदर यदि किसी चीज का संचयन या कोई भी चीज एकत्रित होती है, कुमुलेशन होता है, उसको तो बोलेंगे अवशोषण। और अधिशोषण का मतलब होता है सतह के ऊपर। अब आप लोग खुद समझिए, अगर कोलाइड्स की हम बात करते हैं और अधिशोषण के गुण को समझते हैं, तो कोलाइडी जो कण होते हैं उन कोलाइडी कणों की सतह पर कौन सा आवेश होता है, उनकी सतह पर ऋणावेश पाया जाता है। ऋणावेश होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऋणायन तो इसके ऊपर आकर अधिशोषित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोलाइडी कण पे ऋणायन है और दूसरा कोई ऋणायन अगर आता है तो ऋणायन ऋणायन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ऋणायन कभी भी कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित नहीं हो सकता। तो फिर कौन अधिशोषित होगा, इसका मतलब है यहां अधिशोषित होगा कोई भी धनायन। तो याद रखना, कोलाइडी जो कण होते हैं उनकी सतह पर धनायनों का अधिशोषण होता है। किसका अधिशोषण होता है, धनायनों का अधिशोषण होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी इसमें क्या लिखना है आपको, कोलाइड्स की सतह पर, या जो कोलाइडी कण होते हैं कोलाइड्स की सतह पर धनायनों का अधिशोषण होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अधिशोषण होता है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन अधिशोषित होगा, धनायन अधिशोषित होगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, साथ मैंने आपको पढ़ा दी है और जेट के अंदर इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकंड बात करते हैं हम लोग, फिर हम इसमें छोटा सा एक टॉपिक और एड कर लेते हैं जिसका नाम है कोलोइड्स के प्रकार। अगला आ जाता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोलोइड्स, ये कोलोइड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो कोलोइड्स के प्रकार की ये बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। मृदा के अंदर सामान्यतया दो प्रकार के कोलाइडी कण होते हैं। मृदा जो कोलोइड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मृदा कोलोइड सामान्यतया कितने प्रकार के होते हैं, मृदा कोलोइड्स दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो होता है कार्बनिक कोलाइड, क्या नाम होता है, एक का नाम होता है कार्बनिक मृदा कोलाइड। पहला क्या आता है, कार्बनिक मृदा कोलोइड, और अगर दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा होता है अकार्बनिक मृदा कोलाइड, दूसरे नंबर पे आ जाता है अकार्बनिक मृदा कोलाइड। यानी दो प्रकार के यहां पर कोलोइड पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या था, मृदा कोलोइड था। कार्बनिक की बात करते हैं तो याद रखना मिट्टी के अंदर कार्बनिक कोलोइड जो होता है वो केवल एक होता है, जिसका नाम होता है ह्यूमस। यानी मिट्टी के अंदर ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस का मतलब होता है जब मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है, तो विच्छेदन के बाद जो काले भूरे रंग का पदार्थ बनता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और ये ह्यूमस जो होता है वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। क्या होता है, एक प्रकार का कोलाइडी पदार्थ होता है। और याद रखना ह्यूमस कार्बनिक होता है, इसीलिए हमने कहा कार्बनिक मृदा कोलाइड का उदाहरण ह्यूमस होता है। सेकंड हम बात करते हैं अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स की, तो जब अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स के उदाहरण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है मृतिका, जिसको हम बोल देते हैं क्ले, क्या बोल देते हैं, मृतिका, या इसी को बोल देते हैं सिलिकेट क्ले, क्या बोलते हैं इसी को, सिलिकेट क्ले भी इसी को बोलते हैं, सिलिकेट मृतिका भी इसी को बोलते हैं। इसके अलावा क्या उदाहरण होता है, जैसे हम बात करें एफी एंड एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी अकार्बनिक कोलोइड्स के उदाहरण होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन के ऑक्साइड की बात करें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा हेमेटाइट, क्या नाम सुना होगा आपने, हेमेटाइट नाम सुना होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा लिमोनाइट, क्या नाम सुना होगा आपने, लिमोनाइट भी आपने नाम सुना होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा मैग्नेटाइट, यानी ये सारे के सारे जो है वो आयरन का ऑक्साइड है, किसके हैं, आयरन के ऑक्साइड है। उसी तरह एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, जैसे बॉक्साइड गिप्साइड, ये किसके हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे किसके हैं, सारे के सारे अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स के एग्जाम्पल है। लास्ट ईयर जेईटी के अंदर यहाँ सिलिकेट मृतिका में से क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको बता देता हूँ, जेईटी के अंदर, जेईटी 2023 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हुआ था। क्वेश्चन ये था कि जो सिलिकेट मृतिका होती है ये कोलाइड्स का एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा कोलाइड है जो 2:1 प्रकार का नहीं फैलने वाला कोलाइड है। तो ध्यान रखना मृतिका के जो प्रकार होते हैं उनमें से क्वेश्चन आया था। इधर एक साइड हम ह्यूमस की बात करते हैं, एक साइड हम अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स की बात करते हैं। छोटा सा एक डिफरेंस और बता देता हूं, अगर अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स की बात करें तो अगर आपको याद हो खनिजों का संगठन, तो मैंने आपको कहा था कि भूपटल पर या खनिजों में ऑक्सीजन होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिका होता है, मुख्यतया अकार्बनिक जो पदार्थ या खनिज होते हैं वो इन तीनों से बने होते हैं। लगभग उनका 82% जो भाग होता है, 82% के आसपास का जो भाग होता है, इन तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बनिक मृदा कोलाइड्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये मुख्यतया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स होते हैं मुख्यतया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, जबकि अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और सिलिका से बने होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है भूपटल की अगर हम बात करें तो वहां 46% होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन जो होता है भूपटल पर 46% पाया जाता है, एल्यूमिनियम जो होता है ये 8% होता है, और सिलिका जो होती है ये 27% पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं जेईटी की, तो जेईटी 2023 में यहां से एक क्वेश्चन और छपा है। जेईटी 2023 की अगर हम बात करते हैं तो वहां ये भी क्वेश्चन आया है कि भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखना सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, कितना, 46% पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान इसका रखना है। ये जो भूपटल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये यूनिट नंबर फर्स्ट का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कंप्लीट दूंगा, जिसमें मैं आपको खनिज पढ़ाऊंगा, चट्टाने पढ़ाऊंगा, अपक्षय पढ़ाऊंगा, मृदा निर्माण पढ़ाऊंगा, वहां पर ये सारी चीजें आपके मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। यहां तक अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है तो क्या हम आगे बढ़े, आज के लिए इतना काफी है। बाकी बचे हुए सेशन की अगर हम बात करते हैं, कोलोइड जो होते हैं इसमें आपको कुछ चीजें और पढ़ानी है, बाकी कोलोइड जो है आपका समाप्त हो गया है। इससे ज्यादा बाहर आपका जेईटी के अंदर या सीटी के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम बात करें मृतिका के जो टाइप होते हैं वो मोर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सिलिकेट मृतिका जहाँ लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो मृतिका होती है, इस मृतिका के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। यानी मृतिका को हमने क्या किया है, सिलिका और एल्यूमिनियम की परतों के आधार पर अलग अलग किया है। कितनी, किसकी मात्रा के आधार पर, जो सिलिका की परत होती है इसकी संख्या के आधार पर, और एल्यूमिनियम की जो परतें होती है उनकी संख्या के आधार पर। कुछ खनिज ऐसे थे जिनकी जब जांच की गई तो उनकी संरचना में एक सिलिका की परत थी, एक एल्यूमिनियम की परत थी, फिर बीच में थोड़ा सा गैप था, या यूं कहे ये एक परत है ये दूसरी परत है, दोनों परतों ने मिलकर एक इकाई का निर्माण किया, और दो इकाइयों के मध्य सदैव बंध पाया जाता है। ध्यान रखना और याद रखना इनके मध्य पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड बात करते हैं, ध्यान देना इधर, कुछ खनिजों की जांच में हमने पाया कि वहां पर दो नहीं तीन परतें थी। किस किस की, पहली परत सिलिका की थी, दूसरी परत एल्यूमिनियम की, और तीसरी फिर से सिलिका की। कुछ खनिजों की जांच में हमने पाया कि वहां पर तीन नहीं चार परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है, चार परतें पाई जाती है। देखो समझना इनको, पहली परत सिलिका की, दूसरी एल्यूमिनियम की, तीसरी सिलिका की, और चौथी मैग्नीशियम की या फिर एल्यूमिनियम की पाई जाती है। यानी कि अलग अलग जांच में पाया कि खनिजों में सिलिका की और एल्यूमिनियम की जो परतें होती है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। तो ऐसे मिनरल जिनमें एक एक होती है, हमने कहा उनको 1:1 प्रकार की मृतिका हमने उनको नाम दे दिया।
जहां पर दो परतें थी, हमने कहा दो परत तो देखो सिलिका की और एक परत किसकी है एल्यूमिनियम, तो दो अनुपात एक प्रकार की मृत्तिका हमने उसको कह दिया। और यहां हमने देखा कि दो तो सिलिका की है तो हमने दो कह दिया, एक एल्यूमिनियम की हमने एक कह दिया, एक मैग्नीशियम की है तो हमने एक कह दिया, यानी दो अनुपात एक अनुपात एक, या बहुत बार इसी को लिख दिया जाता है दो अनुपात दो प्रकार की मृत्तिका, यानी कि सिलिका एल्यूमिनियम की परतों के आधार पर हमने इनको अलग अलग भागों में बांट दिया है। यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इसके बाद देखो आगे ध्यान देते हैं, जो दो अनुपात एक प्रकार की मृत्तिका है ये फिर से दो भागों में बांटी हुई है, जिसको बोलते हैं दो अनुपात एक प्रकार की, दो अनुपात एक प्रकार की फैलने वाली मृत्तिका, कौन सी फैलने वाली मृत्तिका, और एक होती है दो अनुपात एक प्रकार की नहीं फैलने वाली मृत्तिका, कौन सी नहीं फैलने वाली मृत्तिका। क्यों समझना इस चीज को, जैसे मान लीजिए ये खनिज था और इस खनिज के अंदर ये तीन परतें हैं, यानी इसके लिए हमने कह दिया कि एक सिलिका की एक एल्यूमिनियम की एक सिलिका की, इसमें भी एक सिलिका एक एल्यूमिनियम एक सिलिका की, ये यहाँ पर एक इकाई हो गई, ये नीचे वाली दूसरी इकाई हो गई। दोनों इकाइयों के मध्य अगर ऑक्सीजन बंद होता है तो इस ऑक्सीजन बंद के संपर्क में जब पानी आता है तो पानी की वजह से ये बंद टूट जाता है और पानी इसके बीच में प्रवेश कर जाता है, यानी दो इकाइयों के मध्य पानी चला जाएगा अगर ऑक्सीजन बंद होगा तो, इसकी वजह से ये खनिज फैल जाएगा। काफी बार क्या होता है ऑक्सीजन जो बंद होता है इसकी जगह पोटेशियम ले लेते हैं, यानी पोटेशियम के जो आयन होते हैं वो इसकी जगह ले लेते हैं, और जब पानी इसके संपर्क में आता है तो ये पोटेशियम पानी को प्रवेश नहीं देता है, जिससे इस खनिज में फैलने का गुण नहीं पाया जाता, यानी इसकी संरचना समान होती है, बस अगर दो इकाइयों के मध्य पोटेशियम के आयन हुए तो इसमें फैलाव का गुण नहीं होगा, और ऑक्सीजन बंद हुआ तो फैलने और सिकुड़ने का गुण इसमें पाया जाएगा, क्योंकि जब पानी जाएगा तो फैल जाएगा और जैसे ही सूखेगा और पानी बाहर निकल जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि खनिज वापस से सिकुड़ जाएगा। एक अनुपात एक प्रकार का जो मृत्तिका कोलाइड है, अगर उसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसका उदाहरण होता है केओलिनाइट। क्या होता है केओलिनाइट होता है वो इसका उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं दो अनुपात एक प्रकार के फैलने वाले के जो उदाहरण होते हैं उनकी बात करते हैं, तो इसका एक उदाहरण तो होता है मोंटमोरिलोनाइट। क्या होता है मोंटमोरिलोनाइट होता है। और दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा उदाहरण होता है वर्मी कुलाइट। क्या उदाहरण होता है वर्मी जो कुलाइट होता है वो भी इसी का उदाहरण होता है। फिर बात करते हैं नहीं फैलने वाले के उदाहरण की बात करते हैं, इसका उदाहरण होता है इलाइट। क्या होता है इसका उदाहरण होता है इलाइट। और इसका उदाहरण दो अनुपात दो प्रकार का उदाहरण है क्लोराइट। क्या होता है क्लोराइट, यानी कि आपकी बार भी जेईटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जेईटी के अंदर पूर्ण संभावना है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कि आपको मृत्तिका के प्रकार से या यूं कहें जो मृत्तिका कोलोइड होता है उसके जो उदाहरण होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जेईटी के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आया था 2023 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये था कि निम्न में से दो अनुपात एक प्रकार के नहीं फैलने वाले मृत्तिका कोलाइड का उदाहरण है, उसका उदाहरण क्या था इलाइट था। राइट आंसर क्या था इलाइट था। बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से दो अनुपात एक प्रकार के कोलोइड का उदाहरण है, तो ध्यान रखना ये दोनों किसका उदाहरण है दो अनुपात एक प्रकार के फैलने वाले कोलाइड का उदाहरण है या मृत्तिका कोलाइड का उदाहरण है। इस तरह से कोलाइड्स में से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो आज हमने क्लियर कर लिया है। इसी तरह से मैं अगली क्लास के अंदर आप लोगों के लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग एक क्लास में एक टॉपिक फिर से लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों की कम टाइम के अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द।